हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी क्यू ऑनलाइन पेपर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपके सामने बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, कंप्लीट ए टू जेड बताऊँगा। ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस रहने वाला है और बीएससी में क्या पढ़ना है, 2024 जो परीक्षा आने वाली है आपकी 23-24, उसमें आपका जो सिलेबस है कितना बदला है कितना नहीं। तो बस जस्ट एक सेकेंड रुकिए, ये हो चुका है साहब। तो आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपने ले लिया है, तो आप सभी के मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि बीएससी का सिलेबस क्या रहेगा 2023-24, मतलब 24 में तो आपकी परीक्षा लगेगी लेकिन 2023 ही सेशन चलता है ये, तो सिलेबस क्या रहने वाला है बीएससी में आपका फर्स्ट ईयर है। तो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले आपका हिंदी आएगा कंपलसरी, इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर साइंस आएगा, ये आपके कंपलसरी रहेंगे फर्स्ट ईयर में लगेंगे। अगर फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गए तो ठीक है, वरना सेकेंड ईयर में नहीं तो थर्ड ईयर में आपके लगेंगे। अब यहाँ पे देखो जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ किस किस यूनिवर्सिटी के लिए मैच करता है और क्या क्या है और 2023-24 में क्या चेंज हुआ है। यहाँ पर आप बात करी जाए, अगर आप ब्रज यूनिवर्सिटी से हो जिसको बोलते हैं MSBU भरतपुर, अगर आप RRB MU से है राजऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, ये फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से है, कोटा यूनिवर्सिटी से है, MGSU से है, MDSU से है, MGSU, MDSU, कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ये जो यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सिलेबस ब्रज यूनिवर्सिटी अलवर राजस्थान, एक और है सीकर जिसको बोलते हैं PDUSU पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेकावटी यूनिवर्सिटी सीकर, इन सभी का ये सिलेबस बताने वाला हूँ। लेकिन MGSU, MDSU और कोटा यूनिवर्सिटी अगर आप UP, MP और बिहार के अंदर से किसी यूनिवर्सिटी में है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या फिर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय या फिर MGPRU बरेली यूनिवर्सिटी, तो उनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन अगर आप इन यूनिवर्सिटी से हैं तो है ये बिल्कुल सेम जो बताने वाला हूँ और क्या चेंज हुआ है। अगर आप इन यूनिवर्सिटी से नहीं है तो भी सिलेबस देख सकते हैं क्योंकि आपका मिलता जुलता सिलेबस होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया किस किस यूनिवर्सिटी का बताने वाला हूँ, आप देखो क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले तीन कंपलसरी बताया, ये आपका हर साल फर्स्ट ईयर में रहता ही है, कोई भी फर्स्ट ईयर में आता है किसी भी यूनिवर्सिटी में उसका कंपलसरी रहता ही है। तो पहला मैंने बता दिया हिंदी इंग्लिश, तीन सब्जेक्ट होता बता दिया। उसके बाद आपका जो मेन आता है वो आता है आपका, अगर आप 12th क्लास बायोलॉजी से किए हो तो आपका चलेगा CBZ, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये आपका चल रहा है केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। अब इनके यहाँ पे क्या होता है, तीन तीन पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड पेपर। फर्स्ट को बोलते हैं इनऑर्गेनिक, सेकंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक, थर्ड को बोलते हैं फिजिकल। इनके पेपर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके नाम अलग अलग होते हैं क्योंकि इनका सिलेबस के आधार पर देखने को मिलता है। अगर आपका तीनों बुक का नाम देखना है, तीनों बुक के अंदर, इसके अंदर जो पहला पेपर है इसके अंदर 5 यूनिट आपको पढ़ने मिलती है, इसके अंदर 5 यूनिट है, इसके अंदर 5 यूनिट है। बॉटनी के अंदर बात करी जाए, पहले पेपर के अंदर 4 यूनिट है, दूसरे के अंदर 4 यूनिट है, इसके अंदर भी 4 यूनिट है। इसके अंदर 3 सेक्शन मिलेंगे, पहले पेपर में, दूसरे पेपर में 3 सेक्शन है, इसमें भी 3 सेक्शन है, जो होते हैं A, B, C और इसके अंदर से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ करके यूनिट होती है। और इसमें भी इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5 करके यूनिट होती है केमिस्ट्री में। इस तरीके का आपका ये सिलेबस रहता है। पूरा सिलेबस आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक कर लेना है, पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। या फिर डिस्क्रिप्शन पर मैं एक कीवर्ड दूंगा, उसको आपको सर्च कर लेना है गूगल में, आपके सामने पूरा सिलेबस आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हैं। आपका ये 2024 में
परीक्षा में सिलेबस रहने वाला है 2024 जो है आपका 23-24 में। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने यूनिवर्सिटी आपको बताई थी, अलवर यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, MGSU, MDSU वगैरह, इनके अंदर क्या है कि 2024 में एक स्कीम लाई जा रही है, नहीं जिसको बोलते हैं हम सेमेस्टर, क्योंकि यूपी एमपी बिहार जो स्टेट है ना उनके अंदर सेमेस्टर चलता है, अपने राजस्थान के अंदर नहीं चलता है। राजस्थान के अंदर 2024 में जो परीक्षाएं होंगी उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेमेस्टर होगा। अगर आपका सेमेस्टर होगा तो क्या क्या कि आपकी जो 5 यूनिट है उसकी साल में एक बार परीक्षा ली जाती है, ईयरली परीक्षाएँ होती है अपने, एक बार 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके यहाँ पे सेमेस्टर होंगे तो वही 3 से 4 महीने में आपकी परीक्षाएं होंगी, 3 से 4 महीने परीक्षा ली जाएंगी और उसमें हाफ आपका सिलेबस आएगा, उसमें से या तो 2.5 यूनिट आएगी पेपर में, या फिर पूरी 3 आएगी, या फिर 2 आएगी पिछले पेपर में 3, मतलब साल में आपके 2 बार पेपर लगेंगे। ये आपका 2024 में पैटर्न चेंज हुआ है। और जो आपका सिलेबस है 5 यूनिट है वो तो रहेंगी, 4 यूनिट है वो रहेंगी, 3 यूनिट है वो रहेंगी। इनके बुक के नाम क्या है, इनके अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, पर यूनिट का नाम, ये 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट का नाम रहेगा हर पेपर में, इसके अंदर मतलब हर पेपर में 5 यूनिट है, 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर है, इसमें 4-4 है, इसमें 3-3 है। और 3 यूनिट में पढ़ने को क्या मिलेगा पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस अगर आप बायोलॉजी से है तो, मैथमेटिक्स में क्या आता है देख लो, अगर आप मैथमेटिक्स से मैथ से है तो आपको चलेगा केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश जो कंप्यूटर साइंस है वो कंपलसरी है। केमिस्ट्री आएगा आपका, मैथ आएगा और आपका आएगा फिजिक्स, इनके आपके 3-3 पेपर होते हैं, 3-3 पेपर आपको इनके देखने को मिलते हैं। इस तरीके से डिवाइड, ये आपका मैथ का सिलेबस रहता है और ये बायोलॉजी का सिलेबस रहता है। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस पता चल गया। अगर आप इसको मिटा देता हूँ, BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपका हो गया, आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि काश हमें BSc की ऑनलाइन क्लासेज भी मिल जाती, तो मैं आपको सलाह देता हूँ थोड़ी सी, अगर अच्छी लगे तो आप लेना वरना आपकी मर्जी है, हम BSc की भी ऑनलाइन क्लासेज देते हैं। आप इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको BSc की ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी। हमारा एप्लीकेशन है BK ऑनलाइन, पेपर नाम से है, प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आपको पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आपको कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है उसकी पूरी क्लासेज मिल जाएगी। और आपका अगर सिलेबस एक तरीके से 2 बार परीक्षाएँ होंगी साल में, सेमेस्टर रहेगा तो 2 बार होगी, और हम एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं BSc में, मतलब कि BSc में जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आ गया वो 100% पास हो जाएगा, फेल होने का तो नाम निशान ही नहीं है, तो अच्छे से पास हो जाएगा। BSc का सिलेबस हमने बता दिया, पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, तो BSc फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ये नंबर दे रखा है, इस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस किस तरीके से मैथ में है, किस तरीके से बायोलॉजी में है, पूरा डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस। और किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है, UPMP बिहार में से अगर आप है तो आपका सिलेबस इससे मिलता जुलता ही रहने वाला है, इसलिए मैंने बोला था सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो होने वाला है 2024 में। पूरा सिलेबस आपको ऐसा किसी ने समझाया नहीं होगा जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो कोई ना आपकी मर्जी, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। क्लास लेनी है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, अच्छे से पढ़ो। आपका भाई बहन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो उनको भी बताओ, क्योंकि सेकंड ईयर थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज देते हैं, क्योंकि आपसे रेगुलर सबकी क्लासेज आने लग गई है। तो अगर आपकी साल में 2 बार परीक्षा होती है, 2 बार हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, 1 बार होती है तो 1 बार देंगे। पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जहाँ तक है मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की, आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। तो अब बस वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।